Hello everyone, I welcome you to Success Series Education and we are back with another video. और इसमें हम आपके साथ आर्ट स्ट्रीम के करियर ऑप्शन शेयर करने वाले हैं क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इसीलिए वीडियो दो पार्ट्स में है. सो लेट्स बिगिन विद करियर ऑप्शन फॉर आर्ट स्टूडेंट्स एंड आई एम तन्वी शर्मा. तो सबसे पहले जो ऑप्शंस हम देख रहे हैं करियर की वो है मैनेजमेंट स्ट्रीम में. सी मैनेजमेंट जॉब्स आजकल यंग स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ठीक है ना. अगर आपको कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो मैनेजमेंट जॉब्स जो है आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं? बीबीए, BBS, देखिए इनकी फुल फॉर्म्स मैंने आगे रखी हुई है. BBA का मतलब है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. इनमें से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट बेसिक स्टेप बताया है कि आप बैचलर्स कौन कौन सी कोर्सेज में कर सकते हैं मैनेजमेंट स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं आपके पास इस स्ट्रीम में. आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जा सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग हाउसेस में जा सकते हैं, बैंक्स में जॉब कर सकते हैं, एनजीओज में जॉब कर सकते हैं, पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं. अगर आप मैनेजमेंट स्ट्रीम में जाते हैं, ये कोर्सेज करते हैं, तो ये सारे करियर ऑप्शंस जो है वो आपके लिए खुल जाते हैं. नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ टीचिंग की. आर्ट्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो टीचिंग आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम हो सकती है, ठीक है. बीएड कोर्सेज टीचिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी बहुत सारे आ गए हैं जिसमें आप बीए बीएड कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसमें टीचिंग में आपका करियर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है. यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कोर्सेज लिखे हैं, बैचलर्स इन एजुकेशन बीएड आप कर सकते हैं या बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हैं. ये इस तरह की जो आपके पास स्ट्रीम्स हैं या लाइंस जो है टीचिंग में आफ्टर आर्ट्स बचती हैं. तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं बीएड का या इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल दोनों में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती है. देखिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड जो है ना वो कंपल्सरी होता है. सो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड के लिए ऑप्ट जरूर करें. तीसरा जो मैं आपको करियर ऑप्शन बताने वाली हूँ या स्ट्रीम बताना चाहती हूँ वो है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी का नाम सुनकर उसे हॉस्पिटल से रिलेट मत करिए. नहीं, ये मेडिकल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? जो लोगों को ग्रीट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, दैट इज हॉस्पिटैलिटी, लेकिन इन होटल बिजनेस, ठीक है, नॉट इन हॉस्पिटल्स. इफ यू लव वर्किंग विद पीपल देन अ करियर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री माइट बी जस्ट राइट चॉइस फॉर यू. अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इफ यू आर पेशेंट इनफ, तो ये आप एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है. इसके लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होटल मैनेजमेंट, BSc बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सारे कोर्सेज जो है आप हॉस्पिटैलिटी में ऑप्ट कर सकते हैं. करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो जाते हैं हॉस्पिटैलिटी में? इवेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, शेफ बनना, आपने देखा होगा बहुत सारे हाई फाइव फाइव स्टार्स वगैरह में शेफ्स होते हैं, ठीक है, जो व्हाइट सी हैट पहनते हैं. मास्टर शेफ इंडिया अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा शेफ क्या होता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एरिया में, मार्केटिंग सेल्स एंड मीडिया में, फूड बेवरेजेस और केटरिंग मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल्स निभा सकते हैं और टूर गाइड भी बन सकते हैं. तो इस तरह के अगर आप में थोड़ी एडवेंचरस स्ट्रीक है और घूमने फिरने का शौक है और लोगों से इंटरेक्ट करने का शौक है तो ये आपके लिए करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा, ठीक है. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैम हमें ये नहीं पता कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सो डोंट वरी. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था मेडिकल वाली, मैं हर टॉपिक के लिए यानी कि हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग, टीचिंग के लिए अलग, एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. सो नेक्स्ट, जैसे कि ये एरोप्लेन उड़ा है तो आप समझ जाएंगे कि नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रीम है कुछ ना कुछ ट्रैवल और एविएशन से ही रिलेटेड है. सो नेक्स्ट जो स्ट्रीम जो आप ऑप्ट कर सकते हैं दैट इज एविएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म. अगेन उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें जो लोगों से मिलना, उन्हें ग्रीट करना पसंद है, ज्यादा सोशल है, ठीक है. एविएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन का मतलब क्या है? जो फ्लाइट्स होती है ना आपकी, कमर्शियल फ्लाइट्स होती है या कार्गो फ्लाइट्स भी आप कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल्स होती है वो एविएशन में आती है.
ट्रैवल एंड टूरिज्म तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, ये आप सब जानते हैं. MMT जो है या यात्रा डॉट कॉम जो है, दे ऑल डील विद ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं कोर्सेज के, BBA बैचलर ऑफ एविएशन एंड ट्रैवल टूरिज्म, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ एंड केबिन क्रू ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एयर फेयर एंड टिकटिंग मैनेजमेंट. सो ये सारे कोर्सेज आप एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म में कर सकते हैं. नेक्स्ट, करियर ऑप्शंस या करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है? एयर होस्टेस, केबिन क्रू, एयर टिकटिंग प्रोफेशनल, कार्गो मैनेजर, कस्टम केयर एग्जीक्यूटिव, टूर गाइड, ये सभी करियर ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल है. नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन, फिल्म एंड जर्नलिज्म. अब ये उन लोगों के लिए है जो फिल्म से या न्यूज़पेपर से, मास मीडिया से, ऐसी चीजें जो लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती है, खबर पहुंचाती है, थॉट्स पहुंचाती है, ऐसी चीजों में जो डील करना चाहते हैं, जो जिन्हें ये चीजें पसंद है, उनके लिए ये स्ट्रीम जो है बहुत ज्यादा करेक्ट है. देखिए, फिल्म्स के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. सब लोग जो है इंडिया में, आई नो दे आर बॉलीवुड लवर्स, हॉलीवुड लवर्स, तो फिल्म एंड फिल्म मेकिंग से वो अच्छी तरह वाकिफ है. मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, यस, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है. मास कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसे जरिया जिनसे आप मासेस से, यानी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बी इट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन न्यूज, ठीक है ना. जर्नलिज्म में भी सेम चीज आती है, आप राइटिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर बन सकते हैं. तो ऐसी जो चीजें हैं, अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप इनमें से कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं, वेदर मास कम्युनिकेशन, वेदर फिल्म, वेदर जर्नलिज्म. ओके, मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान है, उन्होंने भी मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया हुआ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, ठीक है ना, और वो एक्टर है. सो अगर यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम्स, तो आप बिल्कुल इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि मैं बताने वाली हूँ. फर्स्ट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सेकंड बैचलर ऑफ फिल्म एंड मीडिया प्रोडक्शन, थर्ड बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फोर्थ बैचलर ऑफ मास मीडिया, फिफ्थ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है. अगेन, हमें नहीं पता कि कौन से कॉलेजेस हैं जो फिल्म मेकिंग या इन सब कोर्सेज में हेल्प करते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. करियर प्रॉस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? एडिटर बन सकते हैं आप, ठीक है ना. एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के, एडिटर्स होते हैं मैगजीन के, एडिटर्स होते हैं, तो एडिटर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, पैसा होना चाहिए इसके लिए ऑब्वियसली, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, पीआर ऑफिसर. पीआर ऑफिसर मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स लगते हैं पीआर ऑफिसर्स ताकि पब्लिक डीलिंग में उनको मदद मिले. साउंड इंजीनियर, फोटो जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, ये सभी ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग या जर्नलिज्म ऑप्ट करते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इफ यू आर क्रिएटिव, तो ये फील्ड्स आपके लिए है. फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनर आप बन सकते हैं. जैसे बड़े बड़े लोगों से पूछा जाता है आपने कौन से डिजाइनर का आउटफिट पहना है, तो कोई कहता है रॉकी एस का पहना है, कोई कहता है रितु लूला का पहना है, कोई कहता है सत्यपाल सभ्यसाची. सो दीज आर ऑल फैशन डिजाइनर्स. अगर आप क्रिएटिव हैं, कपड़ों में आपका इंटरेस्ट है, यू नो फैशनिस्ता है आप भी सोनम कपूर की तरह, तो आप इस स्ट्रीम को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं. कौन कौन से कोर्सेज हैं? बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन, बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? लेट्स सी, डिजाइन स्टूडियोज में आप काम कर सकते हैं, फैशन हाउसेज में काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल मिल में काम कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स पर, हैंडलूम इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन सकते हैं टीवी या फिल्म्स के लिए, इंडिपेंडेंट फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, अपना शोरूम आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल करियर प्रॉस्पेक्ट्स विच आर अवेलेबल अगर आप फैशन या टेक्सटाइल डिजाइनिंग चूज करते हैं. नेक्स्ट, ऐसी एक क्रिएटिव फील्ड है, दैट इज इंटीरियर डिजाइनर का जॉब. यू नो अब क्या है, बड़े बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, इवन इवन नॉर्मल पीपल वॉन्ट्स देयर हाउसेस टू बी परफेक्ट. यू नो किसी हर किसी का सेंस इतना अच्छा नहीं होता कि वो होम डेकोर अच्छे से कर सके. सो वो इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर करते हैं अपने घर को ब्यूटीफुली कलर कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए. सो अगर आप क्रिएटिव हैं और इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप ऑब्वियसली बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं. और करियर ऑप्शंस आप देखिए, आर्किटेक्चरल फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांस है मतलब इंडिपेंडेंटली भी आप काम ले सकते हैं, ठीक है ना, कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आए और जो लोग आपको अप्रोच करें उनके घर की आप इंटीरियर डिजाइनिंग करें, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं इतने ही करियर ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.
share it with your friends and subscribe to our channel. And do let me know in the comment section ki sabse pehle aap kaun si stream par in sabhi mein se video dekhna chahte hain in detail. Thank you.